परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपने कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और घोसी बाई इलेक्शन के राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से घोसी के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद आप सबके माध्यम से, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश का सम्मान करते हुए हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ समीक्षा करके आगामी जो जो पार्टी के कार्यक्रम और अभियान है उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और जनसेवा का हमारा जो संकल्प है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।